हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास 10th के लिए है। आज हम चैप्टर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 11 का फिफ्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हूज वर्टिसेस आर। हमें क्या करना है, यहाँ पे कोई ट्राइंगल है उसके वर्टिसेस दिए गए। वर्टिसेस यहाँ पे देखिए, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, यानी किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स आपको दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ठीक, तो वर्टेक्स जब दिए गए तो इसको हम देखिए लिख ले रहे हैं। ये है x1, y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट को x1, y1, x2, y2, x3, y3 हमने सपोज कर लिया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहां लिख दे रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट। फिर यहां देखिए, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, देखिए x1 यहां ब्रैकेट, फिर प्लस x2, फिर यहां पे ब्रैकेट, प्लस x3, फिर यहां पे ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये आपको फॉर्मूला याद करने के लिए एक हमने ट्रिक बताई थी, सर्कल बना के थ्री मार्क्स करके, है ना। तो यहां पे लिखिए, तो यहां पे जो ब्रैकेट के अंदर आएगा वो क्या आता है, y कंपोनेंट आता है। आपको बताया गया था फॉर्मूला याद करने के लिए। तो यहां पे देखिए, जब हम वन पे होते थे, यहां देखिए बना दे रहे, ये सर्कल बना, यहां पे हम देखिए एक सर्कल, इस सर्कल पे थ्री मार्क्स करेंगे क्लॉक वाइज। ये कर लिया है, ये कर लिया और ये कर लिया, इसको ले रहे वन, इसको टू, इसको थ्री। ठीक है, अब यहां से मान लीजिए हम यहाँ पे हैं, वन पे हम खड़े हैं, उसके बाद यहां से जब मूव करना शुरू करते हैं तो यहाँ पे आएंगे, और वन पे खड़े थे तो वन को छोड़ के, यानी टू माइनस थ्री, टू माइनस थ्री यानी वाई टू माइनस वाई थ्री, यहाँ लिख लेंगे वाई टू माइनस वाई थ्री, वाई टू माइनस वाई थ्री। ऐसे ही वन पे खड़े थे, इस बार कहाँ खड़े होंगे, टू पे खड़े होंगे, टू पे खड़े होंगे फिर यहाँ से मूव करेंगे तो यहाँ तक जाएंगे, है ना। टू पे खड़े थे तो टू को छोड़ गए, हो जाएगा थ्री माइनस वन, यानी वाई थ्री माइनस वाई वन, यहाँ हो जाएगा वाई थ्री माइनस वाई वन। ऐसे टू पे होंगे, इस बार थ्री पे खड़े होंगे, थ्री पे खड़े होंगे तो मूव करेंगे यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, थ्री पे खड़े तो थ्री को छोड़ गए, वन माइनस टू, वन माइनस टू यानी वाई वन माइनस वाई टू, यहाँ हो जाएगा वाई वन माइनस वाई टू। ठीक है, ये फॉर्मूला याद करने की ट्रिक है, इसे आप याद कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, तो यहाँ पे देखिए ले ले रहे, ताकि थोड़ी सी जगह में मिल जाए दादा, यहाँ ले रहे देखिए 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट x1, x1 कितना है, देखिए x1 है 81, x1 है 81, उसके बाद यहाँ y2 माइनस y3, y2 कितना है, यहाँ पे देखिए y2 है a अपॉन t2, यहाँ हम लिख लेंगे a अपॉन t2, यहाँ पे हम लिख लेंगे a अपॉन t2, a अपॉन t2, यहाँ पे देखिए y2 माइनस y3, तो y2 कितना है a अपॉन t2, माइनस वाई थ्री कितना है, वाई थ्री देखिए वाई थ्री ये रहा ए अपॉन टी थ्री, ए अपॉन टी थ्री ये हो गया, फिर है प्लस एक्स टू, एक्स टू कितना है देखिए, ये एक्स टू ए टी टू, एक्स टू है आपका ए टी टू, ये ब्रैकेट लगाया, उसके बाद एक्स टू के बाद वाई थ्री माइनस वाई वन, वाई थ्री कितना है देखिए ए अपॉन टी थ्री, ए अपॉन टी थ्री है ना, वाई वन कितना है, एक्स वन वाई वन है ए अपॉन टी वन, ए अपॉन टी वन, प्लस एक्स थ्री कितना है, एक्स थ्री देखिए ए टी थ्री, ए टी थ्री, अब इसके बाद यहां पर देखिए ए टी थ्री हमने लिख दिया, एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू, वाई वन कितना है ए अपॉन टी वन, ए अपॉन टी वन माइनस वाई टू कितना है ए अपॉन टी टू, ए अपॉन टी टू, ये वैसे सारे रख ली गई। ठीक है, चलिए और आगे सॉल्व करते हैं, और आगे सॉल्व करेंगे तो यहां 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे लिखा रहेगा। और उसके बाद यहां पर देखिए, यहां पर आपने सारी वैल्यू रख दी है ना, अब यहां पर देखिए, यहां भी ए ए, इस वाले में भी ए ए, इस वाले में भी ए ए, ये ए है, सब जगह ए है ना, तो यहाँ से देखिए इस वाले में से हम क्या करते हैं, ए कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से ए दोनों जगह ए कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ ए है तो ए कॉमन हो गया, ए स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ हो जाएगा आपका ए स्क्वायर टी वन होगा ना, ए स्क्वायर टी वन, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1/2, यहाँ बचा 1/2 माइनस 1/3, ये बचा, जैसे यहाँ पे भी ए कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा ए स्क्वायर टी टू, ए स्क्वायर टी टू, यहाँ बचेगा 1/3 माइनस 1/T1, ऐसे यहाँ पे भी प्लस यहाँ पे भी एक कॉमन लेने तो हो जाएगा ए स्क्वायर टी थ्री, ए स्क्वायर टी थ्री, यहाँ 1/T1 माइनस 1/T2 भी आ गया। ठीक, चलिए और आगे सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा यहाँ देखिए 1/2 ये स्क्वायर ब्रैकेट, अब यहाँ पे देखिए आप ए स्क्वायर, यहाँ पे भी ए स्क्वायर, यहाँ पे भी ए स्क्वायर, यहाँ पे भी, यानी ए स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, तो स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो कॉमन ले लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, यानी 1/2 इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर देखिए यहाँ बाहर आ गया। ठीक, अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बचा है, यहाँ पे केवल बचा है यहाँ पे आपका टी वन इंटू 1/T2 माइनस 1/T3, ये आया यहाँ पे,
प्लस ए स्क्वायर कॉमन हो गया, बचेगा केवल टी टू टी टू इंटू यहाँ पे ब्रैकेट में वन अपॉन टी थ्री माइनस वन अपॉन टी वन, ये बचेगा। फिर ऐसे ही ए स्क्वायर तो कॉमन हो चुका है, यहाँ बचेगा केवल टी थ्री इंटू वन अपॉन टी वन, वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू, ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट टू, ठीक है इतना बचेगा। चलिए और आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा वन अपॉन टू, देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वन अपॉन टू इंटू ए स्क्वायर है ना, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर अपॉन टू, ए स्क्वायर अपॉन टू जिसको लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए हम एलसीएम ले रहे हैं, यहाँ टी वन जैसे लिखा हुआ है लिखा रहेगा, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो हमारा आएगा कितना टी टू टी थ्री, यहाँ आएगा कितना टी टू टी थ्री, टी टू टी थ्री तो ऊपर आ जाएगा टी थ्री माइनस टी टू, यहाँ आएगा टी थ्री माइनस टी टू, ऐसे ही और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे टी टू एज इट इज लिखा रहेगा, यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा टी वन माइनस टी थ्री, टी वन माइनस टी थ्री यहाँ पे आएगा आपका टी वन टी थ्री, ठीक है। फिर और आगे बढ़ते हैं प्लस, यहाँ टी थ्री एज इट इज लिखा रहेगा, यहाँ पे भी हमारा आ जाएगा टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन अपॉन यहाँ टी वन टी टू, ठीक जितना आ जाएगा, ठीक है ये टी थ्री लिखा है टी थ्री। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ आ गया, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे क्या हुआ देखिए टी वन है और यहाँ पे टी टू है, यहाँ पे टी थ्री है ना। अब चलिए एक बार और एलसीएम लेते हैं इसमें, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर अपॉन टू, ये तो एज इट इज जैसे था वैसे ही लिखा रहेगा। अब यहाँ पे देखिए सबका डिनोमिनेटर देखिए, यहाँ पे टी टू टी थ्री, यहाँ पे टी वन टी थ्री, यहाँ पे टी वन टी टू, तो अगर एलसीएम ले लेंगे टी टू टी थ्री, टी वन टी थ्री और टी वन टी टू का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम आएगा टी वन टी टू टी थ्री, एलसीएम कितना आएगा टी वन टी टू टी थ्री। तो चलिए हमें एलसीएम ले लेंगे, हमने एलसीएम ले लिया, ठीक यहाँ पे ले लिया एलसीएम कितना आया, एलसीएम आएगा हमारा टी वन टी टू टी थ्री, यही लिख दे रहे टी वन टी टू टी थ्री एलसीएम आ गया। चलिए अब एलसीएम आ गया, यहाँ देखिए टी टू टी थ्री यहाँ पे भी है, और जब टी वन टी टू टी थ्री को हम क्या करेंगे इस डिनोमिनेटर से डिवाइड कराएंगे तो टी टू टी थ्री तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा टी वन, टी वन जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा, टी वन जब मल्टीप्लाई होगा टी वन में कितना आ जाएगा टी वन स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा टी वन स्क्वायर आएगा ना, और जब यहाँ टी वन स्क्वायर आ गया यहाँ क्या बचा, यहाँ बचेगा टी टू माइनस टी थ्री जो था एज इट इज लिखा रहेगा, टी टू माइनस सॉरी टी थ्री माइनस टी टू है, यहाँ पे एलसीएम लिया गया टी टू टी थ्री से, जब टी वन टी टू टी थ्री को डिवाइड करेंगे तो टी टू टी थ्री कैंसिल हो जाएगा, बचेगा टी वन आएगा, जब यहाँ मल्टीप्लाई होना तो टी वन पहले से है तो टी वन इंटू टी वन टी वन स्क्वायर, तो टी वन स्क्वायर हो जाएगा, बाकी टी थ्री माइनस टी टू, टी थ्री माइनस टी टू एज इट इज लिखा रहेगा। अब ऐसे दूसरे वाले चलते हैं इसमें, ऐसे यहाँ टी वन टी थ्री है तो टी वन टी थ्री कैंसिल हो जाएगा, बचेगा टी टू जाएगा मल्टीप्लाई होना तो यहाँ हो जाएगा टी टू का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा टी टू स्क्वायर, बाकी ब्रैकेट में एज इट इज लिखा रहेगा टी वन माइनस टी थ्री, ठीक है। फिर आगे प्लस, ऐसे यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा टी थ्री का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगा टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन ये आएगा, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ये आ जाएगा। चलिए अब एलसीएम ले लिया ना ये भी देखिए, तो इसको भी हम बाहर कर सकते हैं, तो बाहर कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ देखिए, यहाँ आ जाएगा आपका ए स्क्वायर अपॉन टू, यहाँ टी वन टी टू टी थ्री, ठीक है बाकी यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे लगा रहेगा। यहाँ पे क्या बचा है लिख लिया एक बार, यहाँ हमारा बचा है देखिए टी वन स्क्वायर, यहाँ बचा है टी थ्री माइनस टी टू है ना, टी वन स्क्वायर टी थ्री माइनस टी टू, प्लस यहाँ बचा है टी टू स्क्वायर, टी टू स्क्वायर टी वन माइनस टी थ्री, टी वन माइनस टी थ्री, फिर आगे बचा है प्लस टी थ्री का स्क्वायर, ब्रैकेट में बचा है टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन ये बचा है ना, देखिए टी थ्री स्क्वायर टी टू माइनस टी वन ये बचा। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो ऊपर का मिटा दें तब आगे करें, ठीक है इतना आगे अब इसको मिटा के तब यहीं से करते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, चलिए मिटा दिया गया यहीं से ना, आगे कर लेते हैं। चलिए ठीक है देखिए आया कितना यहाँ पे हमारा आया, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर अपॉन, यहाँ आया है ए स्क्वायर अपॉन टू टी वन टी टू टी थ्री है ना, ये आया। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा देखिए टी वन स्क्वायर इंटू टी थ्री माइनस टी टू प्लस टी टू स्क्वायर, ब्रैकेट में टी वन माइनस टी थ्री प्लस टी थ्री स्क्वायर, ब्रैकेट में टी टू माइनस टी वन। अब यहाँ से देखिए हम करते क्या है, हर जगह टी थ्री माइनस टी टू ले लेते हैं, यहाँ तो है नहीं,
देखिए यहाँ पे हम कर लेंगे, ये जैसे एडिटिव लिखा इसको लिख ले रहे टी वन स्क्वायर टी थ्री माइनस टी टू है, देखिए टी वन स्क्वायर टी थ्री माइनस टी टू प्लस यहाँ क्या करते हैं ब्रैकेट ओपन कर ले रहे हैं, चलिए ब्रैकेट ओपन करेंगे मल्टीप्लाई कराते हैं तो टी वन टी टू स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा टी वन टी टू स्क्वायर है ना, मल्टीप्लाई करेंगे टी वन टी टू स्क्वायर, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस टी टू स्क्वायर माइनस टी टू स्क्वायर टी थ्री, यहाँ आएगा ना मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टी टू स्क्वायर टी थ्री, टी टू स्क्वायर टी थ्री आ गया, ऐसे यहाँ पे भी कर ले, यहाँ पे प्लस यहाँ पे कराएंगे तो आ जाएगा टी टू टी थ्री स्क्वायर, टी टू टी थ्री स्क्वायर ये आ गया, टी टू टी थ्री स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा माइनस टी वन टी थ्री स्क्वायर आएगा ना, देखिए माइनस टी वन टी थ्री स्क्वायर ये आ गया, ब्रैकेट क्लोज। चलिए और आगे इसको तो ऐसे लिख लेंगे ए स्क्वायर अपॉन टू टी वन टी टू टी थ्री, ये ब्रैकेट लगा दिया हमने, इसको एज इट इज ऐसे लिख लेंगे एक बार टी वन स्क्वायर ब्रैकेट में टी थ्री माइनस टी टू, टी थ्री माइनस टी टू। अब यहाँ देखिए प्लस हम यहाँ पे टर्म्स का सिलेक्शन कर ले रहे हैं जिससे कि हमें टी थ्री माइनस टी टू मिल जाए, टी थ्री माइनस टी टू हमको मिल जाए, तो चलिए ठीक है यहाँ पे देखिए हम ले ले रहे हैं कौन कौन सा, हम ले लें यहाँ पे ये मल्टीप्लाई किया गया तो इसको मल्टीप्लाई किया गया, इसको मल्टीप्लाई किया गया, इसको मल्टीप्लाई किया गया, तो यहाँ हम ले लें अगर हमें टी थ्री माइनस टी टू चाहिए तो यहाँ पे इसे इसे साथ में ले रहे हैं इसको इसको, ठीक है चलिए इन दोनों को देखिए साथ में ले ले रहे हैं, यहाँ पे कितना है, यहाँ है माइनस टी टू स्क्वायर टी थ्री है ना, और कौन सा ये टी टू टी थ्री स्क्वायर इसको ले लिया गया, ठीक प्लस इसको इसको साथ में ले ले रहे हैं तो इसको ले लेंगे यहाँ पे टी वन टी टू स्क्वायर, टी वन टी टू स्क्वायर माइनस टी वन टी थ्री स्क्वायर ये आ गया, ठीक चलिए और आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन टू टी वन टी टू टी थ्री, ये तो एज इट इज हम ऐसे लिखते जाएंगे, ठीक है तो यहाँ पे एज इट इज को लिख रहे हैं टी वन स्क्वायर टी थ्री माइनस टी टू, फिर यहाँ पे देखिए अगर हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें और क्या कॉमन हो रहा है देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे कॉमन हो रहा है हमें टी थ्री माइनस टी टू चाहिए उसकी तरह टी थ्री माइनस टी टू, तो अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लें क्या माइनस क्या कॉमन ले लें हम टी थ्री कॉमन ले लें, हमें टी थ्री माइनस टी टू चाहिए तो अगर यहाँ पे हम कॉमन ले लें माइनस टी टू टी थ्री, क्या ले लें माइनस टी टू टी थ्री ले लें, चलिए टी टू टी थ्री अगर यहाँ पे हम माइनस टी टू टी थ्री कॉमन ले लेंगे, देखिए माइनस टी टू टी थ्री, अब यहाँ पे माइनस टी टू टी थ्री कॉमन हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, देखिए यहाँ बचेगा माइनस टी टू टी थ्री हो गया तो बच जाएगा प्लस यहाँ पे बचेगा टी टू टी टू माइनस टी वन, यहाँ पे अगर हम ले ले रहे हैं क्या कॉमन ले लिया हमने टी टू टी थ्री तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस ही ले रहे कॉमन, देखिए हमें मिल जाएगा प्लस लेते हैं तब भी मिल जाएगा, देखिए यहाँ प्लस हम ले ले रहे हैं प्लस कॉमन क्या ले लें प्लस हम ले ले रहे हैं टी टू टी टू टी थ्री प्लस टी टू टी थ्री, अगर देखिए प्लस टी टू टी थ्री हम ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा टी थ्री और यहाँ माइनस आई है टी टू टी थ्री कॉमन आई है माइनस बचेगा क्या टी टू आ जाएगा ना, यानी अगर हम प्लस टी टू टी थ्री कॉमन ले लें, यहाँ देखिए इन दोनों में से प्लस टी टू टी थ्री कॉमन ले लें बचेगा टी थ्री माइनस टी टू बच जाएगा, देखिए टी थ्री माइनस टी टू है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अब इसमें देखिए क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ हम कॉमन ले लें अगर माइनस कॉमन ले लें, यहाँ तो माइनस लेना पड़ेगा माइनस टी वन, अगर हम यहाँ हाँ माइनस टी वन कॉमन ले लें, देखिए माइनस टी वन कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे आपका बचेगा टी थ्री स्क्वायर माइनस टी टू का स्क्वायर ये बचेगा है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं और आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन टू टी वन टी टू टी थ्री, ये तो एज इट इज लिखा रहेगा, ये लगाया हमने ब्रैकेट, ठीक है ये ब्रैकेट लगाया, इसके बाद देखिए यहाँ पे टी थ्री माइनस टी टू टी थ्री माइनस टी टू, यहाँ पे एक स्टेप और सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ एज इट इज लिखे रहे टी वन स्क्वायर टी थ्री माइनस टी टू, टी वन स्क्वायर टी थ्री माइनस टी टू ऐसे लिखा रहेगा, प्लस यहाँ पे भी ऐसे लिख ले रहे हैं टी टू टी थ्री टी टू टी थ्री, यहाँ आएगा टी थ्री माइनस टी टू, अब यहाँ देखिए माइनस टी वन टी स्क्वायर माइनस टी टू स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लग गई, तो हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक ब्रैकेट में रहेगा टी थ्री प्लस टी टू, दूसरे ब्रैकेट में रहेगा टी थ्री माइनस टी टू है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे टी थ्री माइनस टी टू टी थ्री माइनस टी टू और टी थ्री माइनस टी टू कॉमन हो रहा है ना, चलिए कॉमन ले लीजिए, अब यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ हमारा हो जाएगा पहले से ही यहाँ ए स्क्वायर अपॉन यहाँ देखिए है टू टी वन टी टू टी थ्री, अब यहाँ टी थ्री माइनस टी टू देखिए सब में कॉमन, तो हम कॉमन ले लें, हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा टी थ्री माइनस टी टू ये कॉमन हो गया बाहर आ गया, ठीक है टी थ्री माइनस टी टू,
बचेगा कितना, बचेगा यहाँ पे देखिए, यहाँ बचा टी वन स्क्वायर प्लस यहाँ बचा टी टू टी थ्री, उसके बाद यहाँ बचेगा माइनस टी वन इंटू टी थ्री प्लस टी टू, टी थ्री प्लस टी टू ये बचेगा। और आगे का सॉल्व कर लेंगे, चलिए इसको मिटा दें, इसका भी काम खत्म हो गया। तो हमारे पास ये है, इसको तो एजिटिज्म लिख लेंगे, यहाँ पे देखिए ऐसे लिखा रहेगा ए स्क्वायर अपॉन यहाँ पे टू टी वन टी टू टी थ्री इंटू, इसको भी ऐसे ब्रैकेट में हम लिख ले रहे हैं टी थ्री माइनस टी टू है ना, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा है, इसको पहले ब्रैकेट ओपन कर ले रहे हैं, टी वन स्क्वायर प्लस टी टू टी थ्री, उसके बाद यहाँ आ जाएगा माइनस टी वन टी थ्री और माइनस टी वन टी टू ये बचेगा। फिर यहाँ देखिए ये तो ऐसे एजिटिज लिखा रहेगा ए स्क्वायर अपॉन टू टी वन टी टू टी थ्री इंटू, यहाँ हो जाएगा टी थ्री माइनस टी टू। फिर यहाँ देखिए ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट, इसको हम देखते हैं क्या कॉमन ले ले इसमें है, इसको भी साथ में पेयर बनाना पड़ेगा, इसको इसको साथ में ले ले, चलिए ले लेते हैं इसको ले लिया, तो यहाँ हो जाएगा देखिए टी वन स्क्वायर माइनस टी वन टी थ्री है ना, इसको साथ में ले लिया इसको और इसको, टी वन स्क्वायर माइनस टी वन टी थ्री, और बाद में यहाँ पे हम इसको साथ में ले रहे हैं प्लस टी टू टी थ्री प्लस टी टू टी थ्री माइनस टी वन टी टू, इसको ले लिया गया साथ में, ठीक है। चलिए और आगे सॉल्व करते हैं, अब ऊपर मिटाया तो नीचे सॉल्व करें, इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए यह है हमारा, इसको लिख लेते हैं एक बार ए स्क्वायर अपॉन टू टी वन टी टू टी थ्री है ना, और क्या आया था ब्रैकेट में है यहाँ पे टी थ्री माइनस टी टू, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए इसमें क्या कॉमन होगा, इसमें हम क्या कॉमन ले लेगा टी वन कॉमन ले लेंगे, मान लीजिए अगर हमने यहाँ टी वन कॉमन ले लिया तो बचेगा कितना, यहाँ बचेगा टी वन माइनस टी थ्री, टी वन माइनस टी थ्री, और यहाँ क्या कॉमन ले लें, यहाँ अगर हम कॉमन ले लें देखिए टी टू कॉमन होना है, हाँ यहाँ पे हम कॉमन ले लें कितना माइनस टी टू, देखिए माइनस टी टू कॉमन ले लेंगे अगर माइनस टी टू, तो यहाँ पे हो जाएगा टी वन माइनस टी थ्री, हाँ ये बच गया टी वन माइनस टी थ्री है ना, माइनस टी टू कॉमन लेंगे, देखिए माइनस टी टू कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या टी वन माइनस टी थ्री। चलिए और आगे सॉल्व करेंगे, ये तो एजिटिज ऐसे लिखा जाएगा ए स्क्वायर अपॉन टू टी वन टी टू टी थ्री, यहाँ पे ब्रैकेट में टी थ्री माइनस टी टू एजिटिज लिखा जाएगा, यहाँ देखिए टी वन माइनस टी थ्री टी वन माइनस टी थ्री, तो टी वन माइनस टी थ्री हमने क्या किया कॉमन ले लिया टी वन माइनस टी थ्री, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, बचेगा टी वन माइनस टी टू है ना, टी वन माइनस टी थ्री कॉमन हो गया तो दूसरे ब्रैकेट में टी वन माइनस टी टू बचेगा। और अब ये सॉल्व कर लेते हैं ए स्क्वायर अपॉन यहाँ पे टू टी वन टी टू टी थ्री इंटू, यहाँ पे कितना है टी थ्री माइनस टी टू है ना, अभी ब्रैकेट ओपन हो गया तो हम ऐसे लिख ले रहे हैं इसको टी वन माइनस टी थ्री फिर टी वन माइनस टी टू। अब इसको अगर ऑर्डर में लिखना चाहें आप तो ए स्क्वायर अपॉन T1, T2, T3 टी थ्री ये एज इट इज जैसे लिखा लिखा रहेगा, ठीक है। अब इसको जैसे ऑर्डर में आप लिखना चाहें, जैसे ऑर्डर होता नहीं, जैसे मान लीजिए आप लाना चाहें T1 माइनस T2 फिर T2 माइनस T3 फिर T3 माइनस T1, होता है ना ऑर्डर T1 माइनस T2, T2 माइनस T3, T3 माइनस T1, इस ऑर्डर में। तो यहां देखिए T1 माइनस T2 ये तो आपको लिखा है पहले से मिल गया T1 माइनस T2, अब T2 माइनस T3 करना है, इसको T2 माइनस T3 करना है तो क्या करेंगे आप बताइए, ये इंटू है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर इनमें से अगर माइनस कॉमन ले लें, यहाँ अगर आपने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी टू माइनस टी थ्री, ये हो जाएगा माइनस अगर कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा टी टू माइनस टी थ्री है ना, टी थ्री माइनस टी टू था माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा टी टू माइनस टी थ्री। ऐसे ही यहाँ पे भी अगर आप माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ इस वाले में माइनस कॉमन ले लें तो आपका हो जाएगा टी थ्री माइनस टी वन, यहाँ पे भी हो जाएगा आपका क्या टी थ्री माइनस टी वन, और ये टी वन माइनस टी टू एज इट इज लिख लेंगे, पहले से ही ऑर्डर में है टी वन माइनस टी टू है ना। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, तो आपको समझाने के लिए बताया कि इस ऑर्डर में करने के लिए, तो चलिए और आगे सॉल्व कर लेते हैं, बस हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहां देखिए ए स्क्वायर अपॉन यहां हो जाएगा टू टी वन टी टू टी थ्री है ना इंटू, यहां देखिए ये यह है यहां पे, यहां देखिए मल्टीप्लाई में देखो इंटू इंटू मल्टीप्लाई का साइन लगा है ना, तो इसको सबको मल्टीप्लाई में कराएंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी माइनस का साइन कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस क्या होगा प्लस हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे लिख लेंगे क्योंकि प्लस हो गया माइनस माइनस टी टू माइनस टी थ्री ये बचा, फिर इंटू
टी थ्री माइनस टी वन ये बचा, थ्री टू तो है ये टी वन माइनस टी टू ये बचा, बस लास्ट स्टेप इसको ऑर्डर में हम लिख लें, हो गया आपका टू टी वन टी टू टी थ्री ये आया, इसको ऑर्डर में लिखे टी वन माइनस टी टू मल्टीप्लाई में आगे पीछे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा टी वन माइनस टी टू इन टू, फिर यहाँ देखिए टी वन माइनस टी टू फिर टी टू माइनस टी थ्री, फिर यहाँ हो जाएगा टी टू माइनस टी थ्री, उसके बाद टी थ्री माइनस टी वन, टी थ्री माइनस टी वन ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कह रहा था निकालने के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दिया गया। ठीक है, कर लीजिए।